उत्तराखंड में पशुओं के लिए हरे और सूखे चारे की व्यवस्था करने के लिए पशुपालन विभाग चारा विकास नीति लाने पर विचार कर रहा है, जिसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना से पशुपालकों को पशुओं के लिए आसानी से चारा उपलब्ध हो सकेगा, जिसको लेकर उत्तराखंड के देहरादून में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में फॉडर की कमी होना चिंता का विषय है। इस वक्त राज्य 48% चारे की कमी से जूझ रहा है, इसीलिए चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2,44,22,000 की लागत से पॉलिसी का निर्माण किया गया है, ताकि प्रदेश चारा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। आपको बता दें कि इस नीति के अंतर्गत 1,19,44,00,000 की सब्सिडी उत्पादकों को प्रदान करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। साथ ही इस योजना से 9,768 उद्यमी को सीधे और 10,000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हरा चारा उत्पादन करने वाले किसानों को इंसेंटिव भी दिया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अभी पिछले कुछ महीनों में आपको पता है बहुत बड़ी एक समस्या आई फॉर्डर की। हमारे लगभग लगभग शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई और रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, तो उसको देखते हुए एक अधिकारियों को मैंने आदेशित किया था कि आप एक उत्तराखंड की नई फॉर्डर पॉलिसी बनाइए, ताकि ऐसे जो सर्कमस्टांसेस फिर से सामने ना आए, ऐसी स्थितियां सामने ना हो पाएँ फिर से। और मैं धन्यवाद दूंगा सारे अधिकारियों को कि हमने बहुत शॉर्ट टाइम में अधिकारियों ने मेहनत करके एक पॉलिसी, फॉर्डर पॉलिसी सामने लाए हैं।